आप ही नहीं देखोगे तो कब देखोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप क्या सब लोग ठीक हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की शुरुआत अपने ऑफिस से, ऑफिस के अंदर ही बैठकर। तो बस अभी मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, तो अभी सीधा इसके बाद जाऊँगी दशहरा ग्राउंड। तो जो भी अपडेट होगी वहाँ पर जाकर आपको दूँगी, तो मिलते हैं वहाँ पर जाकर। यह पुष्प वाटिका जहाँ पर राम जी और सीता जी एक दूसरे को पहली बार देखेंगे। अभी राम जी चले हैं, पहले अहल्या को श्राप से मुक्त करेंगे, उसके बाद वाटिका में जाएंगे और वहाँ सीता माता से मिलेंगे। अहल्या उन्हें पुकार रही है। हे राम, औरों को तो प्रतीक्षा पत्थर बना देती है, मैं तो पत्थर बनकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। धन्य है वायु का ये झोंका जो मुझ तक तुम्हारे कमल चरणों की धूल की सुगंध लाया है। हे राम, हे राम, आज हम यही विश्राम। हे राम। गुरुदेव, इस उजड़े आश्रम में क्या ये स्थान विश्राम के लिए उचित रहेगा? ये सबसे उत्तम स्थान। हम यहाँ नहीं आए, ये उजड़ा हुआ आश्रम स्वयं हमें यहाँ खींच लाया। हेरा, हेरा। ए, मुझे कौन पुकार रहा है गुरुदेव? तुम्हें ये पुकार रही है। किंतु ये तो पाषाण की प्रतिमा है गुरुदेव। हाँ है, इस प्रतिमा को अपने चरण से स्पर्श कर दो शिष्य। जी, इस पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों से छू। गुरुदेव, गुरु के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना ना तो शिष्य को शोभा देता है और ना ही उसका अधिकार है। किंतु हे गुरुदेव, नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है, उसे चरणों से छूना महापाप है। मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव। नारी के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना जानकर मैं गदगद हो गया शिष्य। मुझे ऐसे शिष्य पर गर्व है। मैं स्वयं किसी को नारी का अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकता, परंतु ये एक विचित्र विडंबना है। इस नारी का कल्याण इसी में निहित है। इसे अपने पैरों से छूकर तुम इसका अनादर नहीं, इसका उद्धार करोगे पुत्र। कौन है ये देवी? ये दुखियारी अबला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। निरपराध होकर भी न जाने कब से पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है। देखा, देखा आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहिल्या। यह है
सीता माता। अभी पहले माली अंदर फूल जो है वो लगा रहा है, उसके बाद राम जी जाएंगे अंदर, फिर उसके बाद सीता माता। हमारे गुरु की आज्ञा है, हमारे गुरु की आज्ञा है, उनकी पूजा के लिए, हे राम जी, हे प्रभु, हे महाराज, हे महाराज, मैंने तीनों लोकों में ऐसे कभी पुरुष नहीं देखे, वो पुरुष नहीं देखे, वो इतनी सुंदरता तीनों लोकों में नहीं देखी। आप कहीं विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी कोई ऐसी देव शक्ति है जिसको मैंने आज पहली बार देखा और आपके शरीर की इतनी कोमलता देखकर मुझे डर लगता है कहीं फूल तोड़ते आपके हाथों में कांटे चुभ ना जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े से कुछ तोड़कर आपको ला सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। नहीं माली, हम अपने गुरु की सेवा के लिए स्वाइन हे राम जी, हे प्रभु, आप कुछ तो ले लीजिए अभी थोड़ी देर में जनक नंदनी गौरी पूजा के लिए आ रही है क्योंकि उनका समय हो गया है इसी समय पर कुछ तोड़ने के लिए आते हैं। हम जाएंगे अभी, ले आए अभी राम जी वाटिका में अंदर जा रहे हैं, फिर सीता माता आ रही हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखेंगे। टाइम हुआ है सिर्फ 7 बजे अभी और ग्राउंड तो फुल है, आज पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। अभी आज सारी शॉप्स लग गई हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ सब पहुंचो तो शहर को देखने के लिए, अगर अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे। ये चहल पहल फुल चहल पहल है, सब स्टार्ट हो चुका है, पहुंचिए अपनी अपनी फैमिली के साथ।